कि मैं पूरी रात का जागा हुआ हूँ। गाइस एक सेकंड नहीं सोया, ये देखिए मेरी आंखें, देख सकते हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाता हूँ सिंघाड़ा। क्या क्या बहुत ख्याल है, गर्म हो रहा, मुझसे बोला नहीं आता। ज़रा उठा के दिखाएं इसको भाई, एक मिनट के लिए दिखाई गई वॉच। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी इमरान वहीद ऑन द बीट विद माय देसी स्वैग। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है, और स्वागत के साथ साथ आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, और जहां कहीं से भी हैं अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करना और बता देना है कि आप लोग खैरियत से हैं। भाई कोई मैं वैसे ही नहीं पूछ लेता हूं कि आप लोग कैसे हैं, जवाब दे दिया करें, सलाम का भी जवाब दिया करें कि आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, तो कमेंट में बताएं। और आज का जो व्लॉग है वो यूं है कि मैं पूरी रात का जागा हुआ हूँ। गाइस एक सेकंड नहीं सोया, ये देखें मेरी आंखें, देख सकते हैं आप लोग, मेरी आंखें स्वाइल हो रही हैं, और मैंने ग्लासेस लगा लिया है। एज सेड दानिश भाई, हेलमेट मैंने लगा लिया है, तो मैं अपने हेलमेट के साथ जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि पूरी रात का जागा हुआ हूँ। तो मैं जब सोने लगा सुबह के टाइम, तो मेरी दोस्त की कॉल आ गई कि यार मैं USA जा रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ मंगवाना है, तुम्हें कुछ लेना है, तो तुम बोल दो। तो मुझे लेना था अपना iPhone 13 Pro Max, तो वो उसका मुझे इंतज़ार था कि कोई बाहर जाए तो मैं उससे मंगवाऊँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लेना मैं नहीं समझता। अच्छे आते हैं, बहुत सारे मेरे मोबाइल यूज़र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वो सेल आउट करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा महंगा पड़ता है, वहाँ से मंगवाओ तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है। उनके हाथ में मंगवा रहा हूँ अपना iPhone 13 Pro Max, तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा जैन के 10 या 15 तक, तो अल्लाह ने चाहा तो मेरे पास होगा। उसका व्लॉग में मैं डालूंगा पूरा अनबॉक्स करके, क्या मेरा आईफोन जब आएगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वेल तो मैं जा रहा हूँ जैनम मार्केट एट्रियम मॉल, वहाँ मेरा एक दोस्त इंतजार कर रहा था, मैंने बोला यार आप लोगों के लिए व्लॉग ही बना लूँ। खैर और आप लोग देख रहे होंगे मेरा स्वैग। सो ये स्वैग यूँ है कि मैंने ये पहन लिए अपना हुडी, और ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये जाली वाली है। आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी सर्दी में ये बंदा कौन है जो इतनी सर्दी में ये पहन के निकल रहा है। एक्चुअली आज का जो मौसम थोड़ा गर्म हो गया है कराची में, और कराची में इस वक्त थोड़ी सी गर्मी लग रही है, तो मैंने सोचा यार ये वेयर कर लेता हूँ, आज चल जाएगा। रात की पता नहीं, रात को जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी हालत ना बिगड़ी हो, यूँ ना हो रहा हूँ मैं। खैर अल्लाह मालिक है, और मैं जा रहा हूँ जैनम मार्केट एट्रियम मॉल, और वहाँ पर कुछ लूँगा, चीज़ें परचेज़ करूँगा, और मैंने कुछ चीज़ें अपनी एक्सचेंज करवानी है। और वो क्या चीज़ें हैं ये देखें, ये मेरी न्यू पैंट है जो कि मैंने अभी तक नहीं पहनी, इनके टैग भी नहीं हटे हुए। ये क्यों गिर गए भाई, ये एक्चुअली मैंने एक शॉपिंग का ब्लॉग भी मैंने बनाया, वो अभी एडिट करके आप लोगों को मिल जाके दिखने को। तो ये पैंटें मैंने बगैर चेक करके वहाँ से ले आया था, क्योंकि तो मेरी दोस्त की शॉप है, चेक नहीं की मैंने, मैंने बोला बस पैक कर दो, मुझे अच्छी लगी तो बस पैक करवा ली। अभी यहाँ आके पता चल रहा है कि भाई ये तो साइज़ ही बहुत छोटा है। वेल तो अभी मेरा रूम भी बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है। गाइस आज के बाद जितने भी व्लॉग हैं वो मुझे आप लोग देखेंगे काम करते हुए, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने काम खुद करता हूँ, घर के काम भी खुद करता हूँ, तो अपने रूम का व्लॉग मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने कैसे डेकोरेट किया हुआ है। सो अभी तो बहुत बुरा हाल में है और फैला हुआ है। सो अभी मैं जा रहा हूँ, तो मिलते हैं हम एट्रियम मॉल और जैनम मॉल के पास। तो जो जो भी है वो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जो जो देख रहा है मुझे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठोक दो गाइस, ठोक दो। सो गाइस वेल अब जा रहा हूँ मैं, आ गया हूँ मैं बाहर। सो इंशाल्लाह आप मिलते हैं मॉल में, और ये अजाने। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक दोस्त के पास, और ये इसको पिक करके फिर मैं जाऊँगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ सिंघाड़ा कैसा होता है, सिंघाड़ा ही चेक। ये है सिब्बी का सिंघाड़ा। खैर मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, मजाक करता हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए, क्या करूँ आप लोगों को हंसाना भी पड़ता है ना यार, जॉक किसी ना किसी पे रख के तो मारना ही पड़ता है। वाल यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एट्रियम मॉल, और वहाँ से उसके बाद जाएंगे हम एक कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे, यार ऐसी बात है भूख भी लगी, बिरयानी बैठ जाएंगे और वहाँ कुछ खाएंगे, और फिर वहाँ पर आपको उसका ब्लॉग दिखाएंगे, तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी रहेगी। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ सदर में, और यहाँ पर ये रहा एट्रियम मॉल, और मैं यहाँ आ गया हूँ, क्या नाम है इसका, बिरयानी एंड बाइट, बिरयानी एंड बाइट का आ गया हूँ। बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा यार कुछ खा पी लूँ, बिरयानी की शक्ल देखते हैं अंदर, शायद खत्म होने का, क्योंकि 5:30 हो गए, 5:30 बजे तक कोई एंड हो जाता है यहाँ पर। यार गाइस ये बैग पसंद आ गया मुझे, चेक करें, ये लेदर में है और प्योर लेदर है, और उसके कलर जो है ना, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और यहाँ मैंने देखा है तो मैंने बोला यार ले लेते हैं यार, जब चीज़ अच्छी लग जाए तो ये नहीं देखा जाता है कहाँ रखी हुई है, कहाँ लगी हुई है, चीज़ अच्छी नज़र आ जाए तो ले लो बस। जी ये दे दें यार, पैक कर दें। सो गाइस अब आ गए हैं यहाँ पर बिरयानी बाइट्स पे। सो ये सारे लोग, हेलो भाई एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक हैं, और ये हमारे
सलीम जो मेरे साथ थे, जिसको मैंने सिंगाड़ा बोला था, वीडियो में दिखाया, यहाँ पे होते हैं और ये इनका रेस्टोरेंट है। सो ये यहाँ पर सारा माहौल है यार। खाने में क्या क्या है? खाने में हमारे पास है जिंगर बर्गर है, बिरयानी है हमारे पास, और फ्रेंच फ्राइज है हमारे पास, और हमारे पास अंडा शामी बर्गर होता है, और चिकन स्ट्रिप्स भी है हमारे पास, काफ़ी सारे आइटम्स। अच्छा अच्छा, काफ़ी सारे आइटम्स हैं आप लोगों के पास। सो खैर वाल देखते हैं कि मैं भी क्या खाता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा लाइटली खाता हूँ। मेन्यू में देखते हैं मेन्यू में क्या है, और मैं मंगवाने लगा हूँ। सो ये यहाँ का जिंगर बर्गर है, और दिखने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपको बनता हुआ भी दिखाएंगे, जो इनका किचन है बड़ा ही बेहतरीन और साफ़ सुथरा है, और यहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ताकि कोई भी कस्टमर यहाँ पर आए किसी को कोई कंप्लेंट ना मिले। ऐसा ही है भाई, और एस ओ पी इसको फॉलो करना है। और ये इन्होंने रखा हुआ है भाई, तू मुँह पर लगा ले यार ये। सो गाइज मैंने ऑर्डर कर दिया है जिंगर बर्गर का, देखते हैं कितनी देर में रेडी होकर आता है। तो ये मेरे साथ ही है, और मैं जा रहा हूँ नीचे, ऐसा ना होगा गिर जाए हम लोग, तो देखते हैं क्या खाने को मिलता है। सो गाइज मैंने तो ऑर्डर किया था जिंगर बर्गर, लेकिन जिंगर बर्गर की जगह पे आ गया ये, और ये आपने ऑर्डर किया? जी मैंने, ये इन्होंने ऑर्डर किया क्लब सैंडविच है, और देखते हैं ये कैसे खाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे खाएंगे कैसे नहीं खाएंगे। वाल मैंने जिंगर बर्गर ऑर्डर किया, जिंगर बर्गर ऑर्डर, लेकिन मैं फिर भी ये खाऊंगा, मैं फिर भी खाऊंगा। सो गाइज ये हो गए हैं चार पीस, इनका हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। ज़बरदस्त यार, बेहतरीन बना हुआ है, मैं छोड़ने नहीं लगा क्योंकि मुझे बड़ा बेहतरीन लगा ये, उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। तो भाई हमारा जिंगर भी आ चुका है, जिंगर आते ही मैं सिंगर हो गया हूँ यार। इसकी लुक तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। ओ इसका लुक तो बड़ा प्यारा है यार, माशाल्लाह ग्लोइंग है। और खा के मैंने भी सिर्फ और सिर्फ क्लब सैंडविच ट्राई किया तो बहुत ही बेहतरीन ड्रेस था, और अब ये भी ट्राई करते हैं जाहिर सी बात है। अब मैंने आधा इसका वो खा लिया बेचारे का क्लब सैंडविच, अभी आधा बर्गर, अभी आधा बर्गर खाएगा लास्ट में बदला लेगा। सो गाइस अब मैं खाने लगा हूँ, जाहिर सी बात है मैं खुद तो दिखा नहीं सकता था। आप यकीन करें कि ताज़ा बंद है, अक्सर आप कहीं जाएँ आपको कभी कभी कोई चीज़ फ्रेश नहीं मिलती, हर एक चीज़ फ्रेश। दूसरी बात सफाई का बहुत ख्याल है, गर्म और उसे बोला नहीं यार, रियली गुड मील। यहाँ पे आएँ आप कभी भी एटीएम मॉल के सामने आएँ, और या फिर जैनब की तरफ आएँ, तो बिरयानी बाइट तो ज़रूर आज आप आगे जो है टेस्ट कीजिएगा, और ज़रूर यहाँ पे आके विजिट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा एटमोसफेयर मिलेगा इंशाल्लाह। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, और देखता हूँ किसने बनाया था वो। भाईजान ये जिंगर बर्गर किसने बनाया था? ये आपने बनाया, ये जिंगर बर्गर आपने बनाया था? ये सर मैंने, अबे यार बहुत अच्छा बनाया ये आपने बनाया था ये क्लब सैंडविच, नाइस यार नाइस, माइंड ब्लोइंग यार, मज़ा आ गया आप यकीन करो। और माशाल्लाह से यहाँ चेक करें कि हर चीज़ की सफाई है, और हर चीज़ को अच्छे से किया जा रहा है, और हर एक चीज़ आपको जो है ताज़ा मिलेगी, कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का बासी हो, स्टीम फूड हो, कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से रखी हुई है, हर एक चीज़ बहुत तरतीब से लेके चल रहे हैं, और माशाल्लाह से मैंने जब खाया है तो मुझे फील हुआ है कि सब चीज़ें यहाँ पर ताज़ा हैं और माइंड ब्लोइंग है। तो गाइस मज़ा आ गया मुझे, तो आप लोग भी यहाँ पर आएँ और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर सोडा भी है, इनका ही सिस्टम सोडा सिस्टम है, ये भी ट्राई कीजिएगा, माइंड ब्लोइंग। सलीम भाई मज़ा आ गया यार, माइंड यार बहुत ही अच्छा है, रेस्टोरेंट बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। और एक बार मैं आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ यहाँ का नाम, बिरयानी एंड बाइट्स। सो यहाँ पे आएँ और ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर अपनी पेंटें वापस करवाने के लिए भाई के पास, दोबारा एक बार परेशान करने के लिए। सो ये हैं वो पेंटें जो मैंने चेंज करवाई थी, वो ये हैं, और जो मैंने अभी मुझे पसंद आ गई वो ये हैं। मैं सिर्फ एक पीस आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। और एक बात है, इनकी दुकान में जब भी आप आओगे आपको कुछ ना कुछ एंटिक चीज़ ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ अलग चीज़ मिलेगी, क्योंकि माशाल्लाह से ही अपनी शॉप को जो है ना ऐसी भर के रखते हैं। ये चेक करें, ज़रा उठा के दिखाएं इसको, ये बहुत प्यारा पीस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। पेंटें हो गई हैं चेंज, और मैंने पेंटों के साथ साथ चेंज करवाते करवाते मैंने एक जैकेट भी परचेज़ कर ली, जैकेट मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद मैं आ गया हूँ वॉच शॉप पे, मुझे एक वॉच पसंद आई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। एक मिनट के लिए दिखाइएगा ये वॉच, ये चेक करें, बहुत ही एंटिक पीस है। ऑलरेडी मेरे पास इसी कलर में
इसी डिज़ाइन में ये वॉच रखी हुई थी ब्लैक में। तो आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोगों ने कमेंट बताना। और ये अंगूठी मुझे पसंद आई चांदी की, ये मैंने परचेज़ कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस अभी मैं जितनी देर यहाँ रुकता रहूँगा मुझे चीज़ें पसंद आती रहेंगी और मेरी जेब खाली होती रहेगी, तो इससे बेहतर ये है कि मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ। भाई ले चल यार मुझे घर ले चल भाई चल चल। सो ये हो गई हमारी वॉच पैक, तो हम यहाँ से जा रहे हैं एंट्री मॉल और रिंग ले लिए। और मैं चाह रहा हूँ कि यार जैकेट यहीं खोल के दिखा दूँ मैं इनको। दिखा दो हाँ दिखाऊँ घर जाके दिखा देंगे। सो गाइस वेलकम बैक अगेन और मैं आ गया हूँ एंट्री मॉल के अंदर। सो यहाँ पर अब लोगों का इतना क्राउड जमा हो गया है क्योंकि यहाँ पर फूड कोर्ट जो है ओपन कर दिया है और सारे लोग बैठे हैं फूड कोर्ट पर और सारी चीज़ें यहाँ पर आम हो गई हैं, पहले की तरह जिंदगी आम हो गई है। देखें फूड कोर्ट पर लोगों का रुझान तो दोबारा रौनकें आ गई गाइस, दोबारा रौनकें बहाल हो गई। और मैं अभी बनवा रहा हूँ ग्रीन टी अपने लिए, वो बन रही है मेरे लिए ग्रीन टी। आज बहुत घूम लिए, बहुत थक लिए और मैं वैसे ही पूरी रात का जागा हुआ था, एक सेकंड नहीं सोया हूँ, एक सेकंड जिसे कहते हैं। लेकिन बहुत इन्जॉय किया आप लोगों के लिए, मैं ब्लॉग बनाने के लिए आ गया आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल पूरे ब्लॉग को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और आप जो आप कंटेंट चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं। सो गाइज मैं घर पर आ गया हूँ। वेल थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार बरसा रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं और मुझे मैं नहीं समझता अपने आप उस काबिल, लेकिन यह सब आप लोगों का प्यार है और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें।